बहन भाइयों को मारना, बंद करो, कश्मीरियों को मारना, बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों को गोली का शिकार बनाना, बंद करो, बंद करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बोलते रहो, हमने कैंडल प्रोटेस्ट इसलिए किया, आखिर कब तक कश्मीरियों को गोली का शिकार बनना पड़ेगा? कश्मीरी इनोसेंट्स की किलिंग्स कब तक होती रहेगी? अब हमें यहाँ पर खोने पड़ते हैं, लेडीज़ भी, जेंट्स भी और बच्चों को भी, ये कब तक होता रहेगा यहाँ पर? कब तक ये ड्रामाबाजी चलती रहेगी जो आज हो रहा है हमारे कश्मीर में? न जाने हमारे जन्नत बेनज़ीर कश्मीर को किसकी नज़र लग गई है जो अब यहाँ पर वो अमन को ये हटाना चाहते हैं, यहाँ पर पीसफुली लोग रहना चाहते हैं, उनको आपस में दुश्वारियाँ ये पैदा करती है रहने के लिए। ये ड्रामा यहाँ पर बंद होना चाहिए इनोसेंट किलिंग्स का, हम उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, इसीलिए हमने आज यहाँ पर कैंडल प्रोटेस्ट किया है। हम चाहते हैं चाहे यहाँ पर जिस रिलीजियस के भी लोग रहते हैं वो सब हमारे इस बाग के, हम एक ही फूल है, कोई भी यहाँ पर इनोसेंट किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये खून खराबा बंद होना चाहिए, यहाँ पर खून की नदियाँ नहीं बहनी चाहिए, उसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा राइट है, हमारा हक है ये। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पर अब टीचरों को भी बख्शा नहीं जाता है, जिनका आला मुकाम का दर्जा है टीचरों से ही सब कुछ, जो भी इदारे इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में है हाई रैंक के, वो टीचरों की हाथों से ही बने हैं सब, इतनी शख्सियत, बट अब उन पे किलिंग्स होने लगी है। उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको देखना चाहे चाहे माइनॉरिटी में यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जिन जिनको थ्रेट फील हो रही है उनको वो प्रोटेक्ट करें सिक्योरिटी जोनों के अंदर। और कब तक कितने गवर्नमेंट स्कूलों को ये अब सिक्योरिटियों को सिक्योरिटियों से ये प्रोटेक्ट कर लेंगे? हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा खून खराबा नहीं होना चाहिए, उनको देखना चाहिए इसके पीछे किसका हाथ है।